डियर, क्वेश्चन 7 में गिवन है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। देखिए, हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर क्वाड्रेटिक हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे हो, तो इसको पार्शियली कैसे रिजॉल्व करते थे, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसके साथ में एक और फैक्टर है, तो इसको हम लोग यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कैसे रिजॉल्व करेंगे, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक और है तो इसके लिए हम अलग से सी बाई क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन। तो इतने को हम ऐसे लिख सकते हैं पार्शियली फ्रैक्शन मेथड से। देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू, या एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, x प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन कैंसिल, सी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आया, एक्स बाई ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ से ए बी और सी निकालना है। देखिए, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ए बी सी, और ए बी सी चलिए निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन है, तो एक्स एक्स माइनस वन को अगर हम जीरो पुट करते हैं, तो पुट कर रहे हैं, देखिए पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो सबसे पहले हमने एक्स माइनस वन जीरो पुट किया, तो एक्स का वैल्यू वन आ जाएगा यहाँ, और एक्स माइनस वन जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्या बचा, सी इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन, यानी वन इक्वल टू टू सी, क्योंकि वन का स्क्वायर वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू सी, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू, ठीक है, ये आ गया सी। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए एक बार तो सिर्फ एक एक एक्स है, तो एक्स सिर्फ एक्स रहता है, तो पुट एक बार हम लोग जीरो करते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए क्या हो जाएगा, जीरो इंटू ए जीरो, सिर्फ बचेगा बी, और बी और यहाँ पे जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, और प्लस क्या हो जाएगा, सी इंटू जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस सी, बी इधर आ जाएगा, तो बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, और सी का वैल्यू कितना है, वन बाई टू, तो बी का वैल्यू वन बाई टू आ गया, बी का वैल्यू वन बाई टू, ठीक है। अब हम लोग को एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो एक्स का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, लेकिन अगर एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन ले लेते हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं x का वैल्यू माइनस वन, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा a, माइनस वन इक्वल टू a इंटू माइनस वन प्लस बी, ठीक है, और माइनस वन, अब यहाँ माइनस वन, x का वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू माइनस टू प्लस सी इंटू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू सी, क्या हो जाएगा, टू, माइनस वन इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस टू सी, माइनस टू को मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू ए, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू ए माइनस टू बी प्लस टू सी, और यहाँ हमने बताया कि बी इक्वल टू सी होता है, तो सिंस बी इक्वल टू अगर सी है, बी इक्वल टू सी है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस वन ए इक्वल टू टू ए, और ये कट गया, क्योंकि b के जगह पर c पुट कर देंगे, तो माइनस टू सी प्लस टू सी कैंसिल आउट, तो ये हो गया माइनस वन इक्वल टू टू ए, तो a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन बाई टू, तो ये हमारा आ गया a b c। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, ये इक्वेशन वन है, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन वन, वन में पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, ए का वैल्यू है माइनस वन बाई टू, बी आया है वन बाई टू,
सी आया है 1/2। अब इसको इसमें पुट करना है। आइए देखिए, यहाँ के बाद अब इसको इरेज करके आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना है, -1/2। -2 1/2 एक्स प्लस बी 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस सी 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको पहले लिख रहे हैं और माइनस को बाद में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और प्लस 1/2 इंटू 1/x-1। देखिए अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, ए इसको पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमको इंटीग्रेट करना है। नाउ ये पूरे टर्म को हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/2 1/x-1। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1/2 इसको हम लोग आई वन मान ले रहे हैं, आई वन प्लस 1/2 ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, वेयर आई वन इक्वल टू क्या ले रहे हैं, आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वन इक्वल टू देखिए 1/x² + 1 डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, x/x² + 1 डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग लेट x² + 1 को t ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² = 2x डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो x dx = क्या हो जाएगा, dt/2। ठीक है, और यहाँ से फिर इसको हम लोग स्पेशल तरीका से, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dt/2। तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और x dx को हम लोग dt लिख सकते हैं, और इसको t। अब इसको हम लोग स्पेशल का फार्मूला जानते हैं, 1/x² + a² 1/x² + a² का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/x² + a² का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1/x² + a² का फार्मूला होता है 1/x² + a² का फार्मूला dx का होता है 1/a tan inverse x/a प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/a, a का 1 है तो ये हो जाएगा tan inverse x/a, तो x/a 1 ही है तो ये हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan inverse x/a, तो a तो 1 ही है, और 1/2 तो 1/t को हम लोग log t लिखते हैं, तो 1/2 इसको हम लोग कर दे रहे हैं log t, t के जगह पर क्या माने हैं x² + 1। अब ये आ गया i1 और ये प्लस c2 मान ले रहे हैं, और ये दो उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इसको इक्वेशन 1 में क्या आ जा रहा है, 1/2 tan inverse x प्लस नहीं माइनस 1/2 ना, ये पहले से था 1/2 यहाँ पहले से आया है तो माइनस 1/4 हो जाएगा log x² + 1, और ये पहले से है 1/2 log x-1 प्लस c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आई वन को उठा के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो ये फाइनल आंसर है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए इसको।